लेकिन एक आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार ये लग रहा है कि जो आपको सूट करता है चुनाव आयोग वैसा ही करता है, वैसे ही घोषणाएं करता है, ये लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है। अनिल दुबे जी, देखिए मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा पी, विपक्ष को जो सूट करता है वो अपने हिसाब से मन वो गढ़ लेते हैं, जब उसी चुनाव आयोग से वो चुनाव जीत कर आते हैं तो उसको स्वीकार करते हैं, और जब चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं कि ये चुनाव आयोग की बेईमानी हुई। तो दोनों बातें नहीं चलेंगी। देखिए मिर्चीपुर की याचिका दूसरी चीज है, सीतामऊ की याचिका दूसरी चीज है, दोनों को एक साथ अगर वो कैंपेयर कर रहे हैं तो ये गलत है, दोनों चीजें नहीं हो सकती ना। आप कह रहे हो कि मिर्चीपुर हार रहे हैं इसलिए चुनाव नहीं करा रहे हैं, इसका मतलब हम 9 सीटें जीते, एनडीए गठबंधन जीत रहा है, तो इस तरह की बातें नहीं चलेंगी। कि चुनाव आयोग में कोई जरूरी नहीं है कि गोरखनाथ की याचिका वापस ले, उसको कोर्ट स्वीकार कर ले, तो कोर्ट का निर्णय है। अब आज वो अगर वापस लेने की बात कर रहे हैं तो वो ये कोर्ट क्या स्वीकार करती है कि उनकी याचिका आपने दायर कर दी, तो कोर्ट इसलिए तो थोड़ी है कि आप जो कह दो कोर्ट वही मानेगी। कई बार आपराधिक मामलों में दो पक्षों में सुलह हो जाती है लेकिन कोर्ट कहती है कि हम मुकदमा चलाएंगे। तो ये बातें मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है, संवैधानिक मामला है, चुनाव आयोग पर आप उंगली उठा रहे हो, उसी चुनाव आयोग से कह दीजिए फिर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम इस चुनाव आयोग के ऊपर हमें विश्वास नहीं है इसलिए हम चुनाव से बहिष्कार करेंगे। अनिल जी, अभी 6 महीने पहले से आपने भाषा बदली है, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और बड़े आप विद्वान आदमी हैं, 6 महीने पहले तक आप जो बोलते थे जरा उसको बस याद कर लीजिए, बाकी कहने की जरूरत नहीं है। बयान आपकी तरफ से बहुत बहुत बयान सुने हमने, आप बात पूरी कर दीजिए बीच में, पंकज के बीच में। अखिलेश आपकी तरफ से बहुत सुना, अनिल जी बहुत सुना है आपको, आपने चुनाव आयोग पे क्या क्या बोला है, पंकज जी बीच में नहीं जी, बिल्कुल बस याद नहीं, बिल्कुल चुनाव आयोग, हमने चुनाव आयोग की बात हमने करी, भाई चुनाव नहीं होना, चुनाव हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा, 9 सीटों पर हो रहा है, पहले वो तो मान लीजिए कि 9 सीटों पर आप कैसे जीत करके आते हैं। एनडीए गठबंधन है, एक गठबंधन की विश्वसनीयता है, आपने झूठ और प्रपंच को लेकर के चाहे आरक्षण का मामला चाहे संविधान का मामला आपने लोग, अनिल जी चवन्नी पलट गई है लगता है, पंकज जी मैं तो अनिल जी को अच्छी तरह मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, इसलिए याद दिला नहीं है बीच में टोकने का, नहीं नहीं हम भी आपको बहुत याद दिलाएं कि आप जो है समाजवादी पार्टी को क्या क्या कहा करते थे, समाजवादी पार्टी आपको क्या क्या कहा करती थी, बिल्कुल सही बात, में जाने की जरूरत नहीं है, एक मर्यादा है, मर्यादा को हम आप बनाए रखे, हम आपके नेता को कुछ कहें आप हमारे नेता को कुछ कहें, तो ये बातें जो है भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। जिस मंडल कमीशन के खिलाफ आप जो है लगातार मंडल कमीशन को आपने लागू करने का काम नहीं किया, आज समाजवादी पार्टी आपके साथ समझौता। अनिल जी सवाल ये है ना कि ये मामला मिल्केपुर का, ये पहले भी 4 महीने का वक्त था जब 13 जून को अवधेश प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया था, ये मामला पहले सुलझ सकता था, लेकिन एन चुनाव की घोषणा के बाद याचिका वापस लेना, फिर इसे क्या कहें? देखिए याचिका दायर हुई है पूजा जी, याचिका कोई जरूरी थोड़ी है कि गोरखनाथ जी उस समय नहीं डिस्कशन, चुनाव आयोग हमसे डिस्कशन थोड़ी कर रहा है, तो याचिका दायर हुई थी, अब चुनाव आयोग ने हमसे डिस्कशन, अब आज ये मुद्दे उठे हैं तो अब वो गोरखनाथ जी वाली याचिका वापस लेने जा रहे हैं, अब ये न्यायालय का काम है कि न्यायालय क्या निर्णय लेता है, उस पर न्यायालय के ऊपर न्यायालय हमारे हिसाब से तो नहीं चलेगा, अब विपक्ष के लोग चाहते हैं कि न्यायालय को याचिका वापस लेना, तो वो तो बाबा गोरखनाथ के हाथ में था ना, आप याचिका स्वीकार करना तो न्यायालय के हाथ में है। तो जनेंद्र प्रताप सिंह क्या क्या ये सिर्फ